दोस्तों नमस्कार, केपीटी अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीडीपी बाल विकास शिक्षा छात्र का 30 क्वेश्चन का एक सेशन लाएंगे जो कि सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश, सेकंड है अध्यापक की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, थर्ड है कक्षा कक्ष का नियंत्रित प्रवेश, फोर्थ है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी प्रवेश। तो जैसे कि अभी बोला गया कि बच्चे का जो संवेगात्मक विकास करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है, तो जैसे कि अभी बात करते हैं कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश सबसे बेस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे के विचारों का उसे सीखने के लिए अवसर दिए जाते हैं, उसके उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग उसे कार्य दिया जाता है। तो आंसर सीधा करेक्ट होगा हमारा इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्लैक बटन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन के बाद वीडियो मिलती रहेंगी। थोड़ा एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है खुले अंत वाले प्रश्न, सेकंड है परियोजना, थर्ड है अवलोकन, फोर्थ है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। जैसे क्वेश्चन बोला गया है कि एक कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन नहीं है, तो नहीं में क्वेश्चन पूछा गया है तो आंसर भी हमें नहीं में देना है। जैसे कि अभी बात करते हैं विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना उपयुक्त रचनात्मक आकलन नहीं है क्योंकि इससे विद्यार्थी अध्ययन में हीन भावना उत्पन्न हो सकती है। तो आंसर इसका करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है पुस्तकों से उत्तरों को लिखवाने पर बल देना, सेकंड है समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, थर्ड है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, फोर्थ है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो जैसे क्वेश्चन बोला रहा है कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के या अध्यापक होने के यह महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि हम बात करते हैं आज शिक्षक की भूमिका में बड़ा बदलाव आया है, जैसे देखने में कि अब उसकी भूमिका ज्ञान के स्रोत के स्थान पर एक सहायक की हो गई है, अतः शैक्षिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु उसे प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना अनिवार्य होता है। तो आंसर द करेक्ट वॉइस के अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षा ही प्रवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम प्रवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये क्वेश्चन नेगेटिव पूछा गया है, आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग देना है। तो जैसे कि हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे के प्रयासों को स्वीकृत, सेकंड है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, थर्ड है बच्चों को स्वीकार करना, फोर्थ है अध्यापक का सकारात्मक रुख। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि बच्चे के सुगम या अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को कक्षा प्रवेश का सृजन किस प्रकार से की करने की आवश्यकता है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं कि बच्चे स्वतंत्र रूप से बेहतर सीखते हैं, अतः एक अच्छे कक्षा प्रवेश का सृजन करने हेतु यह आवश्यक नहीं है कि वे अध्यापकों के अनुसार कार्य करें। तो नेगेटिव अकॉर्डिंग कार हमारा जो आंसर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि यहाँ पे हमें अध्यापकों के अनुसार कार्य कराना नहीं है बच्चों के अकॉर्डिंग, हमें उन्हें बच्चे के ऊपर अपने अकॉर्डिंग कोई भी कार्य नहीं थोपना है। आंसर इधर करेक्ट होगा हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं हाथ हाथ में। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, सेकंड है लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, थर्ड है सभी लड़कों को विज्ञान व लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, फोर्थ है लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो जैसे हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लड़कों वो लड़कियों के विषय में कौन सा कथन नीचे दिए गए सही है या कौन सा कथन सही है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो जैसे कि अभी बात करती है लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, इस कथन को छोड़कर अन्य सभी कथन यह लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाती है।
क्योंकि यहाँ पर हमें इस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए कि लड़के क्या लड़के को घर का कार्य भाग का कार्य करने चाहिए, ऐसा भी है। यहाँ पे लड़कियों को भी करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे कार्य कर सकते हैं, लड़कियाँ भी कर सकते हैं और लड़के भी कर सकते हैं। बाकी का यहाँ पे लड़कों को गृह विज्ञान लड़कियों को गृह विज्ञान देनी है, लड़कों को विज्ञान, इस प्रकार का हमें कोई कार्य नहीं करना है। क्योंकि पूर्व लिंग ग्रह के बारे में दर्शा रहा है, रूढ़बद्धता के दर्शा रहा है, लड़कियों को घर के कार्य ही करने चाहिए, इस प्रकार की कोई भी हमें कार्य नहीं करना चाहिए। तो इसका अकॉर्डिंग हमारा आंसर इधर करेक्ट होगा सेकंड, लड़कों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। आंसर इधर करेक्ट होगा हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर क्वेश्चन में कोई इसी प्रकार डाउट है कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपकी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। फर्स्ट में अधिगम में असुविधा के, सेकंड है अधिगम में असक्तता के, थर्ड है अधिगम में कठिनाई के, फोर्थ है अधिगम में समस्या के। तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, थोड़ा इधर हो गया कोई नहीं, आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, तो इस प्रकार का बच्चा है जो लक्षण किस प्रकार का लक्षण दर्शा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा रहा है। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर, कुछ बच्चे पढ़ने और लिखने में मौखिक अभिव्यक्ति करने या तर्क करने आदि में कठिनाई का अनुभव करते हैं, उनकी इस प्रकार की अधिगम संबंधित समस्या को ही अधिगम में असक्तता कहा जा सकता है या कहा जाता है। विपरीत छवियां, दर्पण छवियां आदि लिखना भी एक अधिगम में असक्त का ही कारण है। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट होगा हमारा सेकेंड, अधिगम में असक्तता के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ब्लैक को प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन के बाद वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। सेकंड है विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों व ग्रेडों पर। थर्ड है विद्यार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। फोर्थ है विद्यार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता या करना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं शिक्षार्थियों की सक्रियता भागीदारिता या भागीदारिता को ज्ञान अर्जन करने में सहायक होती है, क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमें बच्चों को सक्रिय रखना है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं हाथ हाथ में, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। फर्स्ट ऑप्शन है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। सेकंड है उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। थर्ड है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। फोर्थ है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली बच्चे में संयोजन है, इस प्रकार से क्वेश्चन बोला जा रहा है। जैसे कि बात करते हैं उच्च योग्यता, सृजनात्मकता, वचनबद्धता, प्रतिभाशाली का ही सही योजन है। तो आंसर इधर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं हाथ में। NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सेकंड है यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। थर्ड है यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं और समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। फोर्थ है यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती हैं। तो जैसे क्वेश्चन बोला गया है कि NCF 2005 के अनुसार जो गलतियां हैं किस प्रकार महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय परीक्षा रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों में गलतियां विचारों को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं और समस्या समाधानों को पहचानने में उनकी सहायता करती हैं। तो आंसर इधर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुकूलन चिंतन, सेकंड है स्मृति आधारित चिंतन, फोर्थ है थर्ड है अपसारी चिंतन, फोर्थ है अभिसारी चिंतन। तो आउट ऑफ बॉक्स पूछा गया है किससे संबंधित है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं आउट ऑफ बॉक्स का संबंध
अपसारी चिंतन से होता है। तो आंसर इज करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते रहे हाथ में। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है उन विद्यार्थियों को या विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। सेकंड है उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत करना न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। थर्ड है विद्यार्थियों की या शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। फोर्थ है कक्षा में प्रतिभाशाली और कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। जैसे क्वेश्चन बोला गया शिक्षण अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों के आकलन को अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो जैसे बात करते हैं आकलन के माध्यम से अध्यापक विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन कर सकता है जिससे कि यह जाना जा सकता है कि उनकी क्षमता किस सीमा तक विकसित हुई है। तो आंसर इज करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखते हैं अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चे के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। आंसर नेगेटिव में पूछा गया है तो हमें क्वेश्चन में तो आंसर भी नेगेटिव में ही देना है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, सीटेट में ऐसा बहुत होता है क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा जाता है आंसर हम पॉजिटिव में देते हैं। तो बी केयरफुली पहले क्वेश्चन को पढ़ें एक बार उसे समझें फिर आंसर दें। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। सेकेंड है विषय वस्तु पर प्रश्न पूछना। थर्ड है प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद। फोर्थ है प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। तो जैसे कि इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं हमारे तो उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। आप यहाँ पे हमारे तीन पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ पर विषय वस्तु पर प्रश्न पूछना ये हमारा क्या है एक पॉजिटिव आंसर है, और प्रकरण पर परिचर्चा करना ये भी हमारा बात विवाद करना ये भी हमारा पॉजिटिव है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा पॉजिटिव में ही सारे। प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण टॉपिक पर एक प्रस्तुत करना बात करना चर्चा करना ये भी हमारे क्या है पॉजिटिव में। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा होगा विषय वस्तु को केवल याद करने पर पुनरावृत्ति करना। तो आंसर इसका करेक्ट होगा इसका कोई हमारा फर्स्ट, क्योंकि हमारा जो याद करने का रटन प्रणाली हम नहीं करते हैं तो एनसीएफ में भी यही कहा गया है और रटन प्रणाली की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। तो आंसर इज क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। और आपको एक चीज बताते हैं जिसके हम केवल जब हम केवल वर्ड की बात करते हैं तो ये हमारे नेगेटिविटी दर्शाते हैं। तो नेगेटिव आंसर हमें यहीं से मिल जाते हैं जिस सेंटेंस में आपका केवल वर्ड हो नहीं हो भी हो इस प्रकार की हमें कम मात्रा हो या एक मात्रा मात्रा इस प्रकार की हो मात्रा भी हो इस प्रकार के क्वेश्चन या वर्ड आ जाते हैं तो हमारे उस सेंटेंस में हमारे नहीं वाले क्वेश्चन उसमें छुपे होते हैं। तो 99% में इस प्रकार के हमारे आंसर होते हैं। आगे भी हम कीवर्ड्स के बारे में बात करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। फर्स्ट है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। सेकंड है बच्चे की छवि की सुरक्षा करना। थर्ड है उनके अंकों में सुधार करना। फोर्थ है उनकी स्वयं की प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बच्चों को जो शब्द और गैर शाब्दिक जो दंड देने के परिणाम होता है किस प्रकार से है। तो जैसे हम बात करते हैं कि बच्चों को शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड देने से उनकी स्वयं की प्रति अवधारणा नष्ट होने का खतरा सदैव बना रहता है। तो आंसर इज करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में। क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भाई बहन एवं अध्यापक। सेकंड है अध्यापक एवं साथी। थर्ड है साथी एवं माता पिता। फोर्थ है माता पिता एवं भाई बहन। जैसे क्वेश्चन बोला रहा है कि कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं समूह में स्वीकार है इस प्रकार से क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं माता पिता और भाई बहन प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकास हेतु
एक समूह का निर्माण करती हैं जिसमें वह विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं एवं व्यवहार को सीखता है। तो आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। फर्स्ट ऑप्शन प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, सेकंड प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, थर्ड है प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, फोर्थ है प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विद्यार्थी स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंब करता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बोला जा रहा है। जैसे कि अभी बात करती है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाओं नामक उपागम को प्रतिबिंबित करता है। तो आंसर इज द करेक्ट वॉइस का अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परावर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। फर्स्ट ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष, सेकंड है 18 से 24 वर्ष, थर्ड है जन्म से 6 वर्ष, फोर्थ है 6 वर्ष से 11 वर्ष। तो पूछा गया है कौन सा आयु समूह परावर्ती बाल्यावस्था के श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि यहां पर बात करते हैं कि परावर्ती या उत्तर बाल्यावस्था की बात हो रही है यहां पर, तो जो कि 6 से प्रारंभ होकर 11 वर्ष की आयु तक की होती है। तो आंसर इज द करेक्ट वॉइस का अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ, 6 से 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नरसैंगिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परवेश से प्रभावित होता है। अर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील भावना, सेकंड है स्थिरता और अस्थिरता पर बहस, थर्ड है सतत और असतत अधिगम, फोर्थ है प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन हो जा रहा है कि अर्जव तर्क देता है कि जो भाषा है उसकी या भाषा विकास है व्यक्ति नरसैंगिक होता है या उसको प्रभावित करता है, और सोनाली है यह महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। तो दोनों की जो चर्चा है वो किस विषय पर है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बात करती है कि जो चर्चा है बच्चों की भाषा विकास में प्रकृति और पालन पोषण पर वाद विवाद से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे उपयुक्त आंसर होना चाहिए हमारा, सबसे बेस्ट होगा फोर्थ, प्रकृति और पालन पोषण पर वाद विवाद, आंसर फोर्थ हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ साथ में, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर पाती है, फिर भी वह एक वयस्क व साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, इस मार्गदर्शन को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पार्श्वकरण, सेकंड है पूर्व सक्रियात्मक चिंतन, थर्ड है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, फोर्थ है सहारा देना। जैसे कि अभी क्वेश्चन दिया गया है कि अध्यापिका ने ध्यान दिया है कि पुष्पा है अपने आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाती है, फिर भी वह एक वयस्क साथी या मार्गदर्शक के साथ में उपस्थिति के साथ कर पाती है, तो ऐसा मार्गदर्शक इस मार्गदर्शक को क्या कहते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे कि आप ये बात करेंगे कि किसी विद्यार्थी या शिक्षार्थी की समस्या समाधान तथा नियोजन क्षमता उस समय अधिक हो जाती है जब वह शिक्षार्थी किसी योग्य विद्यार्थी या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करता है, इस प्रकार का मार्गदर्शन सहारा देना कहलाता है, आंसर इज द करेक्ट वॉइस का अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका, फर्स्ट ऑप्शन है एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, सेकंड है भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, थर्ड है एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, फोर्थ है लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि अध्यापिका है एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिख रही है, तो यह किसकी ओर संकेत करता है। तो जैसे बात करते हैं, अध्यापिका सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखकर एक लिंग मुक्त
भाषा के प्रयोग को दर्शा रही है, तो आंसर इज द करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? सेकंड है सॉरी ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट है शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बिठाने के लिए, सेकंड है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, थर्ड है जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधार करना, फोर्थ है यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है, तो यहाँ पे बात करते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन समझने के लिए है आवश्यक या अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जा रहा है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है, तो आवश्यक होता है। तो आंसर इज करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ, यह समझने के लिए कि अधिगम किस प्रकार अवलोकन किया जाता है और दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। आंसर इज करेक्ट होगा हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लॉरेन कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्तर थर्ड, सेकंड है स्तर फोर्थ, थर्ड है स्तर फर्स्ट, फोर्थ है स्तर सेकंड। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिक की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो जैसे कि अभी बात करती हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार फर्स्ट स्तर नैतिक की अनुपस्थिति को दर्शाता है, तो आंसर इज करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन के बाद वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल या मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ये भी क्वेश्चन हमारा नेगेटिव में पूछा गया है, सीटेट में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, हमें इस प्रकार के क्वेश्चन पे जरूर ध्यान देना है क्योंकि नेगेटिव में पूछा गया तो नेगेटिव में ही आंसर देना है। ऑप्शन देखेंगे, समूह कार्य में सक्रिय भागीदारिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, सेकंड है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, थर्ड है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, फोर्थ है समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण। तो जैसे क्वेश्चन में आ रहा है कि कौन सा समाजीकरण बच्चे के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है, हमें नेगेटिव में आंसर देना है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं कि समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल की व्याख्या करते हैं तो इसका अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए हमारा सेकंड, क्योंकि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ऐसा हम नहीं करते क्योंकि हमारा जो विद्यालय में हमें इस प्रकार पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चे किस सांस्कृतिक भूमि से पृष्ठभूमि से आते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की जाए, या जिस एनवायरमेंट में रहते हैं या जो उनकी मातृभाषा हो उनके अकॉर्डिंग उसकी मातृभाषा में ही उसे शिक्षा दी जाए, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं में हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परावर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? फर्स्ट है 11 वर्ष से 18 वर्ष, सेकंड है क्वेश्चन देखेंगे आगे, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेड एवं अंकों के लिए, सेकंड है जांच परीक्षण के लिए, थर्ड है प्रेरणा के लिए, फोर्थ है पृथककरण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो यहाँ पे अधिगम के आकलन के लिए किस लिए कौन सा आवश्यक है, ये इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे कि आप बात करते हैं कि अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है, तो आंसर इसका करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड, क्योंकि हम जब आकलन करते हैं बच्चे का तो उससे क्या बच्चे को प्रेरणा मिलती है किस प्रकार से बच्चा सीख रहा है और एक से नई ऊर्जा मिलती है, तो आंसर इसका करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड प्रेरणा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रचालित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है समायोजन, सेकंड है साम्य धारण, थर्ड है आत्मसातकरण, फोर्थ है संगठन। तो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है प्रचलित योजनाओं को नई जानकारी जोड़ने के लिए या किस नाम से जाना जाता है,
तो यहाँ पे बात करती हैं प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ना आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है। तो आंसर इज अकॉर्डिंग हमारा थर्ड आत्मसातकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही इसमें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, हम सभी अपनी बुद्धि प्रेरणा अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिक भिन्नता से, सेकंड है बुद्धि के सिद्धांतों से, फोर्थ है वंशानुक्रम से, सॉरी थर्ड है ये वंशानुक्रम से, फोर्थ है पर्यावरण से। तो क्वेश्चन में दिया गया है हम सभी अपनी बुद्धि प्रेरणा अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत किससे संबंधित है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं इस पर, व्यक्तिगत भिन्नता का संबंध मूलतः जीवों के गुणों का या विशेषताओं से होता है। इससे स्पष्ट होता है कि हम सभी अपनी बुद्धि प्रेरणा अभिरुचि आदि के संदर्भ में अलग होती हैं, भिन्न होती हैं, यह सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है। तो आंसर इसका करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट व्यक्तिगत भिन्नता से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। फर्स्ट ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, सेकंड है विशेष शिक्षा, थर्ड है एकीकृत शिक्षा, फोर्थ है अपवर्जक शिक्षा। तो क्वेश्चन बुलाया रहा है कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन इस प्रकार से, जैसे कि हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा का तात्पर्य एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था से होता है जिसमें समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट या रखना होता है, शिक्षा के समान अधिकार प्रदान किए जा सके। तो आंसर इधर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है संवेगात्मक विकास से, सेकंड है सामाजिक विकास से, थर्ड है संज्ञानात्मक विकास से, फोर्थ है शारीरिक विकास से। जैसे क्वेश्चन में दिया रहा है कोई नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा, क्वेश्चन दिया सही मात्रा, सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए इसके तरीके से नाराज होना आसान नहीं होता है। तो यह किससे संबंधित है, इस प्रकार से क्वेश्चन बोला जा रहा है। जैसे बात करते हैं यहां पर कि संवेगात्मक विकास से संबंधित होता है, इस प्रकार की चीज के हमारे जो संवेग होते हैं, हमारे संवेग जो क्रोध आता है, इस प्रकार से जो चीजें होती हैं, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन होती है उनके अकॉर्डिंग हम क्या उससे जुड़े हुए होते हैं और हम गुस्सा होने नाराज होना उससे हमारा कनेक्टिविटी होती है। तो ये हमारे होते हैं संवेगात्मक विकास से जुड़ा हुआ होता है या संबंधित होता है। तो आंसर इसका करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे वीडियो मिलती रहेंगी आपको। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। फर्स्ट ऑप्शन है डिसग्राफिया, सेकंड है डिसप्रेक्सिया, थर्ड है डिसकैलकुलिया, फोर्थ है डिसलेक्सिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है, इस प्रकार से क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो जैसे कि आप बात करते हैं कि देखो यहां पर हम ये चारों दिए गए, इस पर बात करें थोड़ा सा डिसग्राफिया। डिसग्राफिया हमारा जैसे ग्राफ बनाती है, हम क्या करते हैं ग्राफ बनाएंगे तो इसे हम जोड़ देंगे लिखने संबंधी, डिसग्राफिया ग्राफ बनाएंगे इसे जोड़ देंगे लिखने संबंधी। डिसप्रेक्सिया हमारा बोलने पढ़ने पढ़ने योग्य संबंधी होता है हमारा, इस पर बाद में बात करेंगे। बात करते हैं डिसकैलकुलिया, तो इसमें जुड़ा हुआ है कैलकुलेशन, कैलकुलिया ये कैलकुलेशन कैलकुलिया, तो ये हमारा गणित संबंधी विकार होता है। कौन सा होता है गणित संबंधी विकार, आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। गणित संबंधी जब भी आपको पूछा है गणित संबंधी विकार पढ़ने संबंधित है तो हमारा डिसकैलकुलिया होता है। डिसलेक्सिया की बात करते हैं, हमारा जो कि फोर्थ में दिया गया है, डिसलेक्सिया हमारे पढ़ने संबंधी विकार होता है। कौन सा होता है पढ़ने संबंधी विकार होता है। तो जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने योग्यता में कौन सा लक्षण है, तो यहां पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट डिसग्राफिया। जब भी लिखने संबंधी बात आई तो डिसग्राफिया ग्राफ बनाने से जब जोड़ देना आंसर आपको मिल जाएगा, करेक्ट आंसर वहां पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो लाइक करते हैं साथ ही साथ में। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है, यहां पे आंसर
प्याजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं है पूछा है तो क्वेश्चन भी इसी के अकॉर्डिंग देना है हमें, कोई बात नहीं, थोड़ा टेक्निकल दिक्कत आ गई थी तो नहीं है पूछाया गया, तो आंसर भी नहीं देना है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा, सेकंड है सामाजिक अनुभव, थर्ड है परिपक्वन, फोर्थ है क्रियाकलाप। तो प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा संघ विकास को प्रभावित नहीं करता, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि अभी बात करती हैं कि प्याजे के संघ विकास में बच्चे के सीखने और सूचना एकत्रित करने के तरीके होते हैं जिसमें वृद्धि, प्रतिष्ठीकरण, परिपक्वन, क्रियाकलाप और भाषा चिंतन, स्मरण और शक्ति और तर्कण शामिल होते हैं। जो नहीं होता है वो हमारा है सामाजिक अनुभव, जो कि बायगोस की बारे में बात करते हैं इसके संज्ञान विकास के बारे में। तो आंसर क्या करेक्ट होगा हमारा, प्याजे के अनुसार नहीं है, जो संज्ञान विकास को प्रभावित नहीं करता है, सेकंड सामाजिक अनुभव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ में। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, सेकेंड है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, थर्ड है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, फोर्थ है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत व्यवहारिक बुद्धि अभिप्राय नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे नहीं में क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें आंसर भी इसी के अकॉर्डिंग देना है, नहीं में ही। जैसे कि बात करते हैं कि केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना तंत्रीय सिद्धांत में ये व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, तो आंसर क्या करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड। आप एक कीवर्ड के बारे में बात और करेंगे, जैसे कि आपको केवल वर्ड दिखाई दिया, हमने केवल पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी, तो आपको जहां भी आपको सेंटेंस में केवल मात्रा ही इस प्रकार के क्वेश्चन दिख जाते हैं या इस प्रकार के वर्ड होते हैं तो उस सेंटेंस में हमारा नहीं में क्वेश्चन दिया हो तो ज्यादातर आंसर वहीं पर छुपे होते हैं, जैसे कि सेकंड हमारा आंसर है। तो आंसर करेक्ट होगा हमारा सेकंड। दोस्तों सेशन हमारा यही समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।